अगर आप रोशनी की रफ्तार के साथ स्पेस यानी फजा में जाते हैं और वहां पर एक साल लगाकर अगेन रोशनी की रफ्तार के साथ ही जमीन पर वापस आते हैं तो लोग आपसे कहेंगे कि आप एक साल नहीं बल्कि पूरे 20 साल लगाकर वापस आए हैं। ये बात थोड़ी अजीब जरूर है लेकिन ये सच है जिसको फिजिक्स भी मानती है और फिजिक्स में इसको टाइम डायलेशन का नाम भी दिया गया है और इसी से फिर टाइम ट्रेवल के सबूत में मिलते हैं जो इसको 1907 में आइंस्टाइन भी प्रूव कर चुके हैं। मिसाल के तौर पर आपको कोई शख्स मिलता है और वो आपको बताता है कि फलां शख्स का 3 दिन बाद फलां रोड पर एक्सीडेंट हो जाएगा और फिर सच में 3 दिनों के बाद उसी रोड पर उसी शख्स का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप भागे भागे उस बंदे के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आपको ये सब कुछ कैसे मालूम था। तो वो बताता है कि मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ इसलिए मुझे पहले से ही पता चल चुका था क्योंकि मैं वक्त के अंदर सफर करके इस चीज को पहले से ही देख चुका था। अब आप इसको मानने से इनकार कर देते हैं लेकिन ये बात सच है क्योंकि आइंस्टाइन ने इसको 1907 में कुछ इस तरह से प्रूव किया कि उन्होंने 2 घड़ियां ली, उनमें से एक घड़ी को जमीन पर रखा और दूसरी घड़ी को उन्होंने जहाज पर रखकर उसको बहुत बड़ा राउंड लगवाया और राउंड लगाने के बाद जब दोनों घड़ियों के टाइम को मैच किया गया तो उन दोनों घड़ियों के टाइम के अंदर थोड़ा सा फर्क था। और फिर आइंस्टाइन ने यह बताया कि जो भी चीज़ तेज़ रफ्तारी के साथ कहीं पर जाती है तो उसके लिए वक्त रुक जाता है लेकिन ज़मीन पर रहने वाले तमाम लोगों के लिए वक्त वैसे का वैसा ही रहता है। अब रोशनी की रफ्तार और जहाज़ की रफ्तार को कंपेयर किया जाए तो जहाज़ की रफ्तार बहुत ही ज़्यादा स्लो है एज़ कम्पेयर टू लाइट लेकिन फिर भी थोड़े से मिली सेकेंड का फ़र्क हमें ज़रूर देखने को मिला। और अगर कोई शख्स रोशनी की रफ्तार के साथ सफ़र करता है तो उसके लिए वक्त मुकम्मल तौर पर रुक जाएगा और इसलिए अगर आप एक साल लगाकर रोशनी की रफ्तार के साथ ज़मीन पर वापस आए स्पेस से तो फिर आपको पूरे 20 साल हो चुके होंगे और आपको इस बात का पता भी नहीं चलेगा, पता सिर्फ उन लोगों को चलेगा जो ज़मीन पर रह रहे होंगे। लेकिन आइंस्टाइन की इस थ्योरी को मानने और टाइम ट्रैवल का दावा करने वाले तमाम लोगों की बातों को मानने के लिए इंसान का रोशनी की रफ्तार के साथ सफर करना जरूरी है और जब तक इंसान लाइट की स्पीड के साथ सफर करने जितने कामयाब नहीं हो जाते तब तक इन तमाम बातों को सच्चा या झूठा करार नहीं दिया जा सकता। जैसे आपके मुताबिक क्या सच में वक्त के अंदर सफर मुमकिन है या फिर नहीं कमेंट करके जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।